हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे पास क्लाइंट है, इनके ऑलरेडी किया हुआ है केराटीन एंड स्मूथनिंग। पहले स्मूथनिंग किया था, फिर हमने केराटीन किया था। केराटीन के बाद आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनके ऊपर डी फैबुलस का शैम्पू कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या उसके स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने डी फैबुलस की केराटीन करवाई मेरे पास, देन उसके बाद मैंने इनके इनको बुलाया आफ्टर अ डे। हम कभी भी, आपको पता है, केराटीन सेम डे वॉश नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने बुलाया, नेक्स्ट डे बुलाने के बाद मैंने इनके बालों को करने जा रहा हूँ वॉश। अब वॉश का जो प्रोसीजर है, देखिए, सब लोग नॉर्मल तरीके से वॉश करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये, तो आप देखते रहना कैसे करना है। ये है डी फैबुलस का रिवाइवर शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि है पैराबेन फ्री, जिसमें सल्फ़र फ्री है, पैराबेन फ्री है, जिसमें ये दोनों केमिकल्स जो हैं वो नहीं पाए जाएंगे। एक्चुअल में हर एक शैम्पू में ये दोनों केमिकल्स ऑलरेडी आते हैं, जिससे वो शैम्पू क्रिएट होता है, बट ये सल्फ़र और पैराबेन दोनों हमारे पीएच लेवल को, बालों के पीएच लेवल को कम बढ़ा देता, मतलब डैमेज कर देता है। तो इसलिए इसमें वो पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए सल्फ़र नहीं डाला है और पैराबेन नहीं डाला है। तो ये जो शैम्पू है, ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। अभी ओपन किया है हमने, इसको लॉक जो है वो ओपन करेंगे। इसको लॉक किया गया है, तो लॉक को ओपन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, वो प्लीज़ जाएं और फॉलो कर लें, जिसका नाम है हेयर सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको पंप करना पड़ेगा, फिर जा कर के शैम्पू आएगा। 3 से 4 पंप लेने हैं हमें, और आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके बालों में अप्लाई कीजिए, इसी तरीके से जैसे हम लगा रहे हैं, साइड में भी। लगाने के बाद इसको मसाज करना है, जितना अच्छे से मसाज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मसाज से ही क्या होगा, जितने भी बालों में हमने केमिकल पहले लगाया हुआ था या फिर जितना भी डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा, या जो डैमेजनेस है वो रिपेयर हो जाएगी। ये शैम्पू का ये भी बेनिफिट है, आफ्टर शैम्पू ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि एकदम बालों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर आपने केराटिन किया हुआ है। तो ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है, मैंने खुद ये फील किया है करने के बाद। काफ़ी सारे शैम्पू आते हैं मार्केट में पैराबेन सल्फर फ्री, बट जो रिज़ल्ट आई थिंक मैंने अभी तक इसका देखा है, डी फैबुलस का, आई डोंट थिंक किसी का है। और ये 250 ml है, और आई थिंक ये तकरीबन 1500-2000 के करीब का शैम्पू है, 100 ml है। इसको अच्छे से आपको मसाज करना है, जैसे ही अच्छे से मसाज हो जाती है, झाग बन जाती है, आप देख रहे हो, उसके बाद इसको हम रिंस आउट कर देंगे, सारे बालों में से जितना शैम्पू लगा हुआ है उसको निकाल देंगे। बट मसाज जितना अच्छे से करेंगे, नेक एरिया एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेप एरिया में मसाज करना, बिकॉज वहाँ पे ऑयल रह जाता है जब भी आप वॉश करते हो क्लाइंट का, तो वो एरिया बहुत ध्यान से वॉश करना होता है आपको। तो ये ध्यान रखें कभी भी वॉश करें तो, कि आपको नेप एरिया पे अच्छे से शैम्पू अप्लाई करना है, देन उसके बाद उसको रिंस आउट करना है। अच्छे से मसाज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आगे हो, ईयर के ऊपर हो, बैक साइड हो। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी हैं ध्यान से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक बेस्ट हेयर स्टाइलिश बनाती हैं। मैं इतना डीपली, इतना ध्यान से क्यों पढ़ाता हूँ, इसीलिए ताकि आप भी कुछ काम जो है प्रॉपरली तरीके से अच्छे से कर पाएँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल पानी से, गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल टैप वाटर से, जिसको ल्यूकवार्म वाटर भी बोलते हैं, उससे हमको पूरे बालों में से जितना भी शैम्पू हमने लगाया था उसको रिंस आउट कर देंगे, निकाल देंगे, ताकि बालों में कहीं भी शैम्पू ना रहे और जितनी भी डस्ट है, ऑयल है और केमिकल लगा हुआ है वो निकल जाए। ये निकलने के बाद इनका सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कंडीशनर, वो यूज़ करेंगे हम। देखते जाइए ध्यान से, और जिन लोगों ने भी कोर्स करना है, हमारी एकेडमी है,
आप ऊपर आए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें 7053116666, कोर्स रिलेटेड ही कॉल कीजिए प्लीज़। और मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 बजे के बीच में कॉल कीजिए। सैटरडे संडे मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता हूँ, बिज़ी होता हूँ काम में। और प्लीज़ कुछ लोग रात को कॉल कर रहे हैं 12 बजे, कुछ सुबह 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान से दिमाग को, जो संतुलन खो बैठे हैं दिमाग का, वो ध्यान दें और उसके बाद डे टाइम में कॉल करें प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशनर लिया है। कंडीशनर हमेशा ध्यान रखना, जितना शैम्पू लिया है उसका डबल लेना है। उसको लेने के बाद मैं अपने हाथों में अच्छे से ले लूँगा कंडीशनर एंड बालों में लगाना स्टार्ट करूँगा। आप इतना कंडीशनर लगाओगे, देखो है ना, जब उसको आप कॉम करोगे ना हाथों से, आपको समझ में आएगा वो कितने अच्छे से पेनिट्रेट हो रहा है, सारे बालों में लग रहा है। और ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आने वाला है। ये शैम्पू यूज़ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमने सच में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी ब्रांड के लिए, ये मैं समझना मैं किसी की वीडियो बना रहा हूँ, बट जो सच में अच्छी चीज़ है मैं उसको हमेशा प्रेफर करता आ रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को। तो प्लीज़ ध्यान रखें। अभी हमने यूज़ किया है रिवाइवर डी फेबुलस हेयर रिपेयर कंडीशनर, जो कि सल्फर फ्री है, पैराबेन फ्री है। अब देखो, आप बालों में लगा दिया है, आपको शायद दिख रहा है बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं लगाते लगाते। और इसको हमें रखना है, कंडीशनर को हमेशा 3 से 5 मिनट रखते हैं, मास्क को हमेशा 15 मिनट रखते हैं। क्योंकि मास्क और कंडीशनर में फ़र्क क्या है वो भी बता देता हूँ। इसमें दो सबसे बड़े फ़र्क हैं, एक तो ये थिक होता है और वो कंडीशनर जो है पतला होता है। तो कंडीशनर लगते ही बालों में विद इन 3 मिनट वो अपना काम कर देता है। मास्क थिक होता है, लगाते हैं टाइम लगता है, बट रिज़ल्ट आप देखोगे 15 मिनट के बाद मज़ा आ जाता है। अभी इनके बाल आप शायद देख पा रहे होगे, जब पानी निकलता है ना बालों में से, हम वॉश कर रहे हैं, रिंस आउट कर रहे हैं, तो सही में दिखाई देगा कि बाल रियलिटी में सिंगल सिंगल बाल हो गया एकदम मस्त। ये ट्रस्ट मी, जो लोग कैरेटिन करते हैं ये शैम्पू एक बार यूज़ करेंगे ना, मुझे याद करेंगे उसके बाद कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बता दिया हमें। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब भी आप अगर कैरेटिन करवाते हैं तो प्रोफेशनल शैम्पू ही यूज़ कीजिए। देखिए, कोई चीज़ क्या है, महंगी है वो क्यों महंगी है, उसके पैसे क्यों ज़्यादा लग रहे हैं, बिकॉज़ उसका रिज़ल्ट अच्छा है। वो उतने महंगे प्रोडक्ट से बनी हुई है इसलिए इतनी महंगी है। और काफ़ी सारी रिसर्च होती है पहले हर एक चीज़ के ऊपर, शैम्पू बनता है, रिसर्च होती हैं, तब वो जाके मार्केट में आता है, ऐसे नहीं आ जाता है। तो इनके ऊपर रिसर्च हुई है, इन्होंने खुद का कैरेटिन बनाया हुआ है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं इनके। तो प्लीज़ ऐसे ही मत समझिए कि मैं ऐसे ही रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैंने खुद ट्राई किया, उसके बाद मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट शैम्पू है। अभी हमने कंडीशनर लगा के इनको अच्छे से रिंस आउट कर दिया, सारे बालों में से कंडीशनर को निकाल दिया। और साथ साथ में जिन लोगों को भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदने हैं, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जा सकते हैं, जाके वो प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। मैं इन शैम्पू का भी लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ख़रीद सकते हो ऑनलाइन। और जो लोग बोलते हैं अमेज़ोन से या कहीं और ब्रांड से नकली मिलता है, तो आप जाके शॉप से ख़रीद सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वजह से मत ये करिएगा कि मैं अमेज़ोन से बोल रहा हूँ तो वहीं से ख़रीदना, आपको वहाँ से मत खरीदिए, मार्केट से जाके ख़रीद लीजिए, बट ओरिजिनल और अच्छे प्रोडक्ट ही खरीदिए। अब जैसे ही इनका हम वॉश कर देते हैं, उसके बाद हम इनमें करेंगे ड्रायर, पहले लगा लेंगे सीरम। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम सीरम किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनके बालों में पहले लगाएंगे सीरम, और जब भी कॉम करना है ये चीज़ ध्यान रखिए, कॉम करने से पहले सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। सीरम लगा होगा फिर हमारा जो कॉम है वो अच्छे से चल पाएगा। सो वी आर, हम अभी सीरम यूज़ कर रहे हैं, हबीब का है हमारे पास, और एक और सीरम है जो साथ में पड़ा हुआ है। दोनों में से कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई पर्टिकुलर सीरम नहीं है कि आपको डी फेबुलस का लगाना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरम का काम एक ही है, बालों को टेंगल फ्री करना एंड बालों को शाइन देना, ये दो काम करता है सीरम।
उसके लिए हम सीरम यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी हमने सीरम यूज़ कर लिया है, इसके बाद हम इनमें जो टेंगल्स है वो निकाल देंगे, बालों में से टेंगल्स को रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेडल ब्रश। देखिए जो मैं पेडल ब्रश भी यूज़ कर रहा हूँ वो भी प्रोफेशनल है, ब्रशमैन कंपनी का है, ये भी मैंने ख़रीदा हुआ है। तो ऐसे मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2,000 रुपये, 1,000 रुपये का एक ब्रश है, अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करते हो तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि वो उतना लंबा समय चलेगा। और अगर आप सस्ता ख़रीदोगे, देखिए काफ़ी सारे ब्रांड है बाज़ार में, आप सस्ता ख़रीदने जाओगे 200 रुपये वाला, तो वो ओबियसली वो फिर वो 1-2 महीने ही चलेगा और फिर वो जल जाएगा, उसके ब्रिस्टल जो हैं वो जल जाते हैं। और इसके ब्रिस्टल्स मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है जलने का, और मैं हीट देता हूँ ड्रायर का, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं ड्रायर करता हूँ। तो काफ़ी देखिए प्रोडक्ट महंगा है तो वो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है। और जिन लोगों को भी कोई क्वेश्चंस करने होते हैं, आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम जो कि मैंने वीडियो स्क्रीन पे दिया हुआ है, हेयर सॉल्यूशन, जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। और ऊपर राइट साइड में जो हमारा नंबर आ रहा है उसमें सिर्फ आप कोर्स की डिटेल ही पूछ सकते हैं, प्लीज़ कोर्स के बारे में कॉल करिए, क्वेश्चन आंसर मत पूछिए फ़ोन करके, क्योंकि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि होल डे में आई थिंक 200 के करीब कॉल आते हैं, तो उठाते उठाते एक आदमी तो मैंने फ़ोन के लिए रखा हुआ है कि आप उठाओ और बात करो। तो अभी यहाँ पे हम बालों को कर रहे हैं ड्राई, हम बालों को सुखा रहे हैं, हम बालों को सुखा रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन, हम बालों को कर रहे हैं स्ट्रेट ड्रायर विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रश। ये मेरे पास एक वुडन राउंड ब्रश है, बिग वाला, बहुत अच्छा है ये भी। देखिए आप अपने सलून में सिलेक्टेड चीज़ें रखें, बट अच्छी रखें ताकि वो यूज़ आने वाली हों, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी मतलब डिफरेंस आता है। और एक चीज़ बता दूँ, किन लोगों ने अभी इवेंट हो रहा है 18th और 19th फेब को, कौन कौन लोग रेडी हैं जाने के लिए? देखिए मैं तो जा रहा हूँ, इवेंट है मैट्रिक्स का, बहुत बड़ा इवेंट है, और वो जो जगह है वो है गोवा। 18 फरवरी 19 फरवरी 2020 में ये इवेंट है, 2 दिन का मैट्रिक्स वालों का गोवा में। और ऑलमोस्ट आई थिंक 5,000 से लेके 7,000 हेयर स्टाइलिश आ रहे हैं इंडिया के। और मैट्रिक्स के ब्रांड एम्बेसडर है फिलिप वॉफ, वो आ रहे हैं, जिनका इंस्टाग्राम पे आईडी है फिलिप के नाम से, और एल्फ्रेडो, ये दोनों मैट्रिक्स के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये दोनों आ रहे हैं, आप जाके इनसे कुछ नया सीख सकते हो। ये दोनों अमेरिका में काम करते हैं, इनके खुद के सलोन और एकेडमी है वहाँ पे, और मैट्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैट्रिक्स वाले इनको लेके आ रहे हैं इंडिया में फर्स्ट टाइम। तो आप देख सकते हैं उसका पेज भी है मैट्रिक्स का, गोवा इवेंट। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन जाके अपनी टिकट्स बुक करवा के आ सकते हैं, बहुत बड़ा इवेंट है और मज़ा आने वाला देखने के लिए। और एक सिंगर भी है बादशाह, रैपर सिंगर है, वो आ रहा है। तो यहाँ पे बालों को हम कर रहे हैं पेडल ब्रश से ड्राई अच्छे से। देखिए काम करते हुए बिल्कुल ध्यान से करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, एकदम पेशेंसली ध्यान से सॉफ्टली सारे बालों को आपको करना है ड्राई, सारे बालों में से मॉइस्चर को निकाल देना है, जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको निकाल देना है। बस देखते रहिए सेक्शन बाय सेक्शन, जितने भी एक्स्ट्रा वेव्स हैं वो, एक्चुअली हमने स्मूथनिंग किया हुआ है फिर केराटिन किया हुआ है, तो वेव्स की तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। द थिंग इज़ कि बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो अच्छे से बंद हो जाएं, इसलिए हम इतने अच्छे से इसको ड्रायर कर रहे हैं। अच्छे से कर दें बालों को ड्राई।
अच्छे से कर दे ट्राई। और जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है। देखिए आफ्टर पोनी उनको कितना अच्छा लग रहा है पोनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। और हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है करंस लाइफ, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं अपने पर्सनल वीडियोज़ डालता हूँ। तो ये है आज का हमारा डी फेबुलस शैम्पू जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।